यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ब्राह्मण बनाम राजपूत की सियासी लड़ाई में घिरती नजर आ रही है। पहले गैंगस्टर विकास दुबे और उससे जुड़े लोगों के सरेंडर के बाद एनकाउंटर के आरोप लगे और मामला गरमाया। अभी ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि भदोही से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है। विजय मिश्रा ने कहा कि उनका दोष केवल ब्राह्मण होना है और उन्हें कभी भी मार दिया जा सकता है। विजय मिश्रा ने योगी सरकार पर जाति विशेष होने के कारण गलत मुकदमे करने का आरोप लगाया है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो कह रहे हैं कि पूर्वांचल में वो 4 बार से विधायक हैं। पंचायत चुनाव में बाहुबली लड़े, इसलिए मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, मुझे मारा जा सकता है। इस वीडियो में विजय मिश्रा लोगों के हाथ जोड़ते हुए देखे जा सकते हैं। माफिया हैं जिन्होंने सोची उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी है। मैं ब्राह्मण, मेरा केवल इतना ही दोष है कि मैं ब्राह्मण हूँ पूर्वांचल में और 4 बार से विधायक हूँ। चूँकि अगला जिला पंचायत चुनाव है, चूँकि जनपद के लोग न लड़ पाए, बनारस का कोई बाहुबली लड़े या कोई चंदौली का लड़े या कोई बलिया का बेटा लड़े विधायक और बाहुबली, इसलिए आज या कल में हमारी गिरफ्तारी हो सकती है, कभी भी हत्या हो सकती है। आपसे इतना ही बार बार निवेदन है कि आप अपना आशीर्वाद और विश्वास बनाए रखें। हो सकता है रात में ही हमको मार दिया जाऊं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बहुत बहुत आप सबको सादर प्रणाम। इससे पहले भी विजय मिश्रा का एक वीडियो वायरल हो चुका है। उस वीडियो में वो फर्जी मुकदमे में फंसाने पर जेल में जान देने की बात कहते नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने विजय मिश्रा के इन आरोपों का खंडन किया है। भदोही पुलिस ने ट्वीट कर अपनी बात रखी है। इस ट्वीट में लिखा है कि विधायक विजय मिश्रा जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। पुलिस ने कहा कि खुद विजय मिश्रा पर 73 मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक उनकी सुरक्षा के लिए गनर भी दिया गया है। अब मामले का सच जो है वो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह यूपी में ब्राह्मण बिरादरी के प्रभावशाली लोग सामने आकर आरोप लगा रहे हैं, उससे योगी सरकार घिरती जरूर नजर आ रही है। हमारी ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।